भोपाल में लगातार टच कंप्यूटर की फाइबर केबल चोरी हो रही थी। ये मामला जब सामने आया तो बताया जा रहा है कि न्यू एंकर गैलेक्सी और उसके कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिससे एमपीवी सहित कई बड़े संस्थानों में डाटा ट्रांसफर का काम प्रभावित हुआ और लाखों का नुकसान भी हुआ। फाइबर केबल काट कर चोरी करने का मामला सामने आया है। न्यू एंकर गैलेक्सी और उसके कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, टच कंप्यूटर एमपीवी स्करा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वेंडर है, जो कि एमपीवी के सभी सब स्टेशनरों को फाइबर के माध्यम से जोड़ता है, जिसकी मदद से एमपीवी का डाटा ट्रांसफर होता है। बताया जा रहा है कि यह घटना पिछले महीने से हो रही थी। लगातार फाइबर केबल को काट कर चोरी कर लिया जाता था, जिससे कार्य प्रभावित तो होता ही था, साथ में लाखों का नुकसान भी होता था। जब कंपनी की टीम ने इस पर जांच की तो पता चला कि न्यू एंकर गैलेक्सी के कर्मचारी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि छोटू और धर्मेंद्र नाम के दो कर्मचारी केवल काटकर गाड़ी में रखकर ले जाया करते थे, जिसके चलते एमपीवी के साथ कई सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों का कई दिनों का कार्य प्रभावित भी हुआ था। भोपाल रेलवे स्टेशन, इसरो और इसरो से कैप्ट की लिंक भी प्रभावित हुई है। चोरी किया गया फाइबर और अन्य सामान इन दोनों लोगों की गाड़ियों में से बरामद भी कर लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।